ओ, कल भी मैंने टाइटल गलत डाल दिया चैप्टर का। चैप्टर 1 और 2 डालना चाहिए था, देखता हूँ चेंज करता हूँ। ओके दोस्तों, शुरुआत से शुरू करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। तो आई विल मेक द मेन डायग्राम हियर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हिमालय। सो दिस इज द पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट गाइज। इतना पार्ट, इतने पार्ट की हम बात करेंगे अभी, इतने पार्ट की बात करूंगा। हिमालय, हिमालय, हिमालय गॉट 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, लाइक आई टोल्ड यस्टरडे, विच वॉज ऑलरेडी देयर, एंड द ओल्डेस्ट पार्ट इज कॉल्ड ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय का आपकी बुक में, सिलेबस में ज्यादा नहीं है तो मैं ज्यादा बात भी नहीं करूंगा। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर है, ये ऑलरेडी बने हुए थे, ऑलरेडी मेड, ऑलरेडी एग्जिस्टेड। सो दिस इज ओल्डर, ओल्ड हिमालयाज हैं, पुराने हिमालयाज। ये हैं कहाँ आज की डेट में? ये आज की डेट में है हमारे जो पीओके का एरिया है और सीओके का एरिया है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड पाकिस्तान ने कुछ एरिया चाइना को भी दे दिया उसका कार्यक्रम हाईवे वगैरह बनाने के लिए, उसको सीओके बोलते हैं, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो एरिया ऊपर का एरिया ही है। तो यहाँ कौन कौन सी बेसिकली क्या आता है? यहाँ आता है काराकोरम रेंज। ओके, एक चीज का डिफरेंस बता दूं या बोर्ड पे बता देता हूं। रेंज होता है अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स, अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स, दैट इज रेंज, हिमालयन रेंज बोलते हैं इसलिए। और एक जो पीक होती है उसको माउंट बोल देते हैं। पीक, पीक का मतलब एक अकेला पहाड़, वन माउंटेन। ठीक है भरत, अंडरस्टूड भरत? पीक इज वन माउंटेन, रेंज इज अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स। सो काराकोरम, काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज के नीचे दोस्तों एक नदी बहती है जिसका नाम है शोक रिवर। शोक रिवर पाकिस्तान में चली जाती है बाद में, और शोक रिवर के नीचे आता है, शोक रिवर के नीचे आएगी तुम्हारी लद्दाख रेंज। ये है क्या रेंज? मतलब इस तरह के माउंटेन्स की रेंज होती है, बीच में एक रिवर बह रही है, शोक रिवर, लद्दाख, LADA LADAKH। और लद्दाख के नीचे आती है भाई इंडस, अपनी मेन इंडस रिवर। और इंडस के नीचे कौन सा है सिटी? ले। तो ले सिटी जो है वो दो रेंजेस के बीच में है, लेह सिटी दो रेंजेस के बीच में है, लद्दाख रेंज एंड नीचे आती है जंस्कार रेंज। जंस्कार रेंज, कहीं कहीं एस एन नहीं होता, जस्कार बोलते हैं सर, तिब्बतन का वर्ड है जंस्कार रेंज। ठीक है, तो बीच में इंडस और फिर जंस्कार। तो दिस इज योर ओल्ड ट्रांस हिमालयस। इसका आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं, बट थोड़ा सा नॉलेज के लिए ठीक है, कल को आईएएस पीसीएस का एग्जाम वगैरह देने लगो आप, ये आपके काम आएगा। ट्रांस हिमालयस हो गया। नाउ लेट अस सी हाउ द एग्जैक्ट एक्चुअल हिमालयस आर देयर। ये पीओके और सीओके में है, लुक एट द हिमालयस। हिमालयज हैज बीन डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। कैसे? लॉन्गिट्यूडनली। जब हम बात करें लॉन्गिट्यूड यानी कि वेस्ट,
टू ईस्ट। वेस्ट मोस्ट पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड नागा पर्वत और नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। अच्छा ध्यान रखना, सुलेमान हिमालयन हिल्स ही हिमालय जी हैं जो कि पाकिस्तान में जाते हैं और सुलेमान हिल्स बन जाते हैं। पाकिस्तान में जाके इनको बोलते हैं सुलेमान हिल्स। सुलेमान। और अफगानिस्तान में जाते हैं इनको बोलते हैं हिंदू कुश। अफगानिस्तान। जब तुम क्लास 8th में पढ़े, शायद तुम्हें पता नहीं कितने लोगों को ध्यान है, जब खाने के बारे में फार्मिंग के बारे में बताते हैं, पता चलता है कि सुलेमान हिल्स में सबसे पहले वो वीट और वो उसके बार्ले के दाने मिले, ऐसा कहते हैं सबसे पहले वहां शुरू हुआ था। हिंदू कुश माउंटेन्स। हिंदू कुश माउंटेन्स थे जो कि ईरान इराक की साइड से जो लोग आते थे उनको इंडिया में आने से रोकते थे। यहाँ पे है हिंदू कुश, ये सुलेमान। हिंदू कुश एंड सुलेमान हिल्स। ठीक है भैया, अब हम अपने इंडिया की बात कर लें। नंगा पर्वत पाकिस्तान में है, तो नंगा पर्वत से लेके, यहां से लेके नंगा पर्वत, ये नंगा पर्वत है एनपी से लेके नामचा बरवा एनबी, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक हमारे हिमालयाज हैं। नामचा बरवा जो कि तिब्बत में है, ठीक है जी, और वहां से टर्न मार के ईस्टर्न रेंज बन जाते हैं यहाँ पे, ऐसे जैसे मैंने बताया ईस्टर्न रेंज बन जाएंगे यहाँ पे, बन जाएंगे इधर पटकाई बूम वगैरह, मैं बताऊंगा सब अभी अपने सिलेबस में, पटकाई बूम इधर आ जाएंगे और बाद में म्यांमार में चले जाएंगे, ठीक है, जहां इसका नाम हो जाएगा अराकान योमा। ठीक है दोस्त, नामचा बरवा तक जाता है। ओके, तीन पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज ग्रेटर हिमालयाज, ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। सो ये पहली वाली रेंज है हिमालयाज का। देखो जो जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, एक कर्व की तरह है, क्योंकि मैंने बताया ये नीचे से आई थी प्लेट, आई थी प्लेट ने धक्का मारा, ठीक है, तो प्लेट ने धक्का मारा, ये वाला हार्ड पार्ट होगा ये यहां रह गया, लेकिन साइड वाले सॉफ्ट पार्ट मुड़ गया। तो दिस इज ग्रेटर हिमालयस, के बाद फिर मिडिल हिमालयस एंड लोअर हिमालयस। ग्रेटर हिमालय को बोलते हैं हिमाद्री, मिडिल हिमालय को बोलते हैं हिमाचल, और इसको बोलते हैं शिवालिक। अब ग्रेटर हिमालय की कुछ बातें। पहली बात भाई, अच्छा दूसरा बात ध्यान देना, जो हिमालय जो है ना वो इधर जोड़े हैं, और जैसे जैसे हम ईस्ट में जाते हैं तो हिमालय की जो विड्थ है वो कम होती जाती है, बल्कि शिवालिक वगैरह तो खत्म ही हो जाते हैं, वो यहीं खत्म हो जाते हैं, आगे जाते ही नहीं ईस्ट में। तो ये है जे एंड के और ये असम है, ठीक है भैया। ओके, पहली बात ग्रेटर हिमालय की, नंबर वन, फर्स्टली जो इनकी विड्थ है, मोटाई, ये वाली मोटाई ग्रेटर हिमालय की बात करें, ऊपर वाले की विड्थ 190 से लेके 120 किलोमीटर तक, इतनी चौड़ाई है इनकी ऊपर से। एवरेज हाइट 6000 मीटर, एवरेज हाइट इज 6000 मीटर। ओके, मेन पीक्स, देखो वर्ल्ड की जो टॉप 10 पीक्स हैं वो नेपाल और इंडिया के अंदर है, माउंट एवरेस्ट जो है वो हमारे इंडिया में नहीं है, नेपाल में। हमारे इंडिया की जो टॉप, इंडिया में तो कंचनजंगा है। हाँ सबसे ऊंची पीक है, और नंबर 3 वाली पीक है जिसका नाम है कंचनजंगा। सर तो कोई बोलेगा सर नंबर 2 वाले भी तो बताओ, नंबर 2 पे क्या है, बता देता हूँ। हाँ हाँ भाई बोल, सर आपकी वीडियो साफ नहीं आ रही, देख लेते हैं एक मिनट। और सर यूट्यूब पर भी सर अपलोड आ इसका रही है।
यूट्यूब पे कल वाला वीडियो मैं देख रहा था, थोड़ा सा कुछ कुछ अभी अभी तो साफ आ रही होगी। नहीं नो सर, सर अभी भी ब्लर है। जब मैंने पापा से पूछा तो सर पापा ने वहाँ बोला हमने 300 Mbps ले रखा है तो तेरी स्पीड इतनी कम क्यों आ रही है? सर, पीसी में कम आती है पता नहीं कैसे। ओके मोबाइल से ट्राई कर लेना, पूछ के चेक सर, करके। रुको एक मिनट, मैं इसको देखता हूँ। वीडियो क्वालिटी बताना यार मेरे को जरा अभी। बेटर और नॉट? नो सर, सर सेम है। सर सेम? यस सर, यस सर। आपको इम्प्रूवमेंट कुछ? नो सर, नो सर। चलो ये थोड़ा सा इसका इसमें टाइम लगा लेते। अब बताओ मेरे को। नहीं, अब फ्लिकर आ रहा ना? यस फ्लिकर आ रहे हैं। यस सर, ओके, एक तो पहले तो मुझे लग रहा है इसकी मुझे पावर को ना वो करना पड़ेगा, इससे सब फर्क पड़ेगा। रुको दोस्तों, एक मिनट दो मेरे को। पावर सेविंग चाहिए नहीं अपने को। एक डिस्प्ले ब्राइटनेस एक बार से हाई परफॉर्मेंस पे करके देखो। हाई परफॉर्मेंस नाम की तो कोई चीज नहीं है, बाकी मैंने सब कर दिया, हाई वीडियो और ये सब। सो वी क्यू है वीडियो हाई क्वालिटी का, मैं बार बार टच कर रहा हूँ। एफ में हमेशा आप सर जिस डिवाइस से का सर, आप लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करते हो हाँ, उसमें एक वो आता है। तो सर वहाँ पे सर बैटरी सेविंग ऑप्शन ऑन होगा शायद, तो उसको सर हाई परफॉर्मेंस पे कर दो। ओके तो रुको एक मिनट, फिर मैं करता हूँ। अभी फ्लिकर आ रहा है क्या? यस सर, सर नहीं अभी ठीक हो गया, फ्लिकर हट गया है ना। अब तुम बोल रहे हो कि इसको परफॉर्मेंस को थोड़ा सा वो कर लो, मैं देखता हूँ। मुझे बैटरी बचानी ही नहीं है, मुझे बैटरी की टेंशन ही नहीं है। रुको एक मिनट, बैटरी अच्छा अच्छा बताना। सेव पावर नहीं चाहिए, सेव पावर नहीं चाहिए हमें। हमें पावर सिंक मोड भी ऑफ चाहिए, सुपर भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बैटरी मैनेजमेंट, मोर बैटरी सेटिंग, ऐप बैटरी मैनेजमेंट। अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी, अलाउ। अलाउ ऑटो लॉन्च, अलाउ। अलाउ फोरग्राउंड, अलाउ सर्विसेज फ्रॉम द ऐप टू बी ब्रॉट टू द फोरग्राउंड। ठीक है भाई, सब कुछ कर लिया। अब जो अभी और क्या है, और क्या करूं बता। मोर फोन बैटरी यूसेज, मोर बैटरी सेटिंग, ऑटो स्क्रीन ऑफ, ऑटो स्क्रीन ऑफ। ओके रूलर नॉर्म, फॉन्ट साइज मोर, ऑलवेज डिस्प्ले वॉलपेपर, बैटरी सेवर। बैटरी सेवर चाहिए नहीं अपने को। पावर सिंक मोड ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है। फोन बैटरी यूसेज ऑफ है भाई, बताओ और क्या करना है। अनंत चाहिए अपने को वीडियो टपाटप। सर अभी भी वैसा ही आ रहा है। यार बाकी लोग भी बताओ भाई, बाकियों को कैसा लग रहा है? सर थोड़ा सा मारना तो नहीं चाहिए। अभी बुला रहे क्या? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी निकल बोलो। हाँ हाँ सर आई एम सेइंग, हाँ सर एट माय एंड सर इट इज फाइन। अच्छा सर थोड़ा विजिबल है, आप चूज बैटरी थोड़ा विजिबल प्लान पे जाकर सर हाई परफॉर्मेंस पे कर दो। है यार। बैटरी में चला गया दादा, मैं एक मिनट रुक जा। सर चूज बैटरी वहाँ प्लान पे। चूज बैटरी प्लान है, बैटरी हाई परफॉर्मेंस में। एक मिनट सर, से कर रहा हूँ। हाई परफॉर्मेंस नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया कुछ।
बेस्ट परफॉर्मेंस तो मुझे नहीं आएगा आप यार। सर्च करो सर, चूज अ पावर प्लान, तो सर उसमें आएगा। पावर प्लान पावर प्लान नहीं, इसमें वो अलग अलग फोन का अलग अलग होता हो ना। पावर सेविंग, एक मिनट दे दे मेरे को। पावर सेविंग आया, मुझे पावर सेविंग नहीं चाहिए भैया। लो लेस पावर विल बी कंज्यूम बट डिस्प्ले क्वालिटी विल बी अफेक्टेड। वो तो ऑफ ही है। अब देखना, सर अभी भी वैसे ही आ रहा है। कोई चेंज नहीं है। नो सर। नो सर, कोई चेंज नहीं है। नो और बाकी लोग भी बोलो, हो सकता है इन लोगों का मेरे को उसका टेंशन हो। सर, वही है, वर्ड से अभी। एक काम कर रहा हूं मैं, ठीक है, होल्ड करना। मैं क्लास का लिंक, एक सेकंड लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, अभी के अभी उससे ज्वाइन करो सब लोग। मैं इसको अच्छा से रिसेट करके देख लेता हूँ, एक बार रिस्टार्ट कर लेते, ठीक है। ओके, ओके सर, ओके सर। मैं फोन को रिस्टार्ट करके देखता हूँ। रिस्टार्ट।